2011 की नौका डूबी आज हम सुनाने वाले हैं। डायरेक्टर ऋतुपर्णा घोष, IMDb रेटिंग 7.7। रविंद्रनाथ टैगोर की एक और लिखी मास्टरपीस, बहुत ही खूबसूरत और मैच्योर्ड कहानी है। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट है। आप सब जो इतने लोग हमसे जुड़े हैं, हमें पसंद करते हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमने मूवीज ट्राइब 2.0 नाम से एक और चैनल खोला है, वहाँ भी नए वीडियोस आते रहेंगे। उस चैनल को भी आप पक्के से सब्सक्राइब कर ले। चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मूवीज ट्राइब को सुनते रहे। कहानी शुरू होती है कुछ लफ्जों से जो रमेश अपनी प्रेमिका हीम को लिख रहा है। उस जमाने में प्यार करने वाले इसी तरह तो एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुँचाते थे। लिखा है, कलकत्ता शहर की भीड़ में मैंने हमारे लिए 3 कमरों का एक छोटा सा घर तलाश लिया है। आशा करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। पश्चिम की तरफ जो खिड़की वाला कमरा है, उसके एक तरफ मेरी किताबों और फाइलों की मेज होगी और दीवार की तरफ तुम्हारा पियानो होगा। और हाँ, तुम्हारे प्रिय लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर की किताबों के लिए घर के कोने में अलमारी का बंदोबस्त भी कर दूंगा, और उनकी नई उपन्यास की एक कॉपी तुम्हारे लिए ऑर्डर भी करवा दी है। सोच रहा हूँ अब और देरी ना करते हुए इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे बाबा से हाथ मांग लूँ। रमेश ने कलकत्ता शहर से ही वकालत की पढ़ाई की है, और हेम, पूरा नाम हेम नलिनी, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, एक अमीर खानदान की बेटी है। हेम की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता अनोदा बाबू को उसकी लाडली हेम की शादी की चिंता सताती रहती है। इस जन्मदिन पे वो 20 साल की हो जाएगी। उन्हें भी मालूम है कि हेम और रमेश एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इस शादी से उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं। जन्मदिन की पूरी तैयारी खुद करने के बाद भी रमेश आज शाम नहीं आया। उसकी गैर हाजिरी में अनमने मन से हेम ने अपना जन्मदिन मनाया, मगर रात भर वो रमेश की तरफ से किसी खत की राह देखती रही। सुबह हेम के भाई ने बताया कि वो कलकत्ता में नहीं है, कल शाम ही किसी जरूरी काम से गांव चला गया है। गांव पहुंचकर रमेश को एक बड़ा धक्का लगा जब उसके पिता ने बताया कि उसकी शादी वो किसी गरीब विधवा की बेटी से देने का वचन दे चुके हैं। अगले 3 महीने में कोई शुभ विवाह का दिन नहीं है, इसीलिए अगले 3 दिन में ही उसकी शादी ठीक कर दी गई है। रमेश के सर पे जैसे कहीं से बिजली गिर गई। वो बोला, ये क्या क्या बाबा, मुझसे पूछना भी आपने जरूरी नहीं समझा। मैं तो यहाँ किसी को शादी का वादा कराया हूँ। पिता ने जिद का दम भरते हुए कहा, ओह, शहर में रहकर पढ़ाई कर ली है तो अब क्या सारे फैसले खुद लोगे? माँ बाप का कोई हक नहीं तुम पर? पिता के इस तर्क का कोई उत्तर नहीं रमेश के पास, ना ही देना उचित समझा। बाबा को प्रणाम कर वहाँ से वापस कलकत्ता के लिए निकल ही रहा था कि बाहर वही गरीब विधवा जिसकी बेटी सुशीला से शादी ठीक हुई है, उसने रास्ता रोकते हुए उससे माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम बाप बेटे को अलग करके अपनी सुशीला को यहाँ नहीं ब्याहना चाहती, मगर मैं क्या करूँ, जितनी भी क्षमता है हमारी वो सारी पूंजी लगाकर शादी की तैयारी हो चुकी है। अब ये शादी नहीं हुई तो मेरी और मेरी बेटी के पास जहर खाने के अलावा और कोई चारा नहीं। रमेश किंग कर्तव्य मूढ़ स्थिति में आ गया है। वो एक नरम दिल का इंसान है, वकालत करके भी गरीब दुखियों का केस मुफ्त में लड़ता है। वो उस विधवा माँ को खाली हाथ वापस नहीं लौटा सका और मंडप में बैठने को राजी हो गया। बेमन से हुई शादी में उसने वधु का मुंह तक एक बार नहीं देखा। विवाह संपन्न कर लौटने के समय नदी पार करते वक्त एक भीषण तूफान के भंवर में उनकी नाव फंस गई। सब छिन्न भिन्न हो गया। उस अंधकार और भयावह रात में भी एक बार रमेश को हेम का चेहरा नजर आया। सुबह आँख खुली तो लहर के थपेड़ों ने उसे नदी किनारे तक ला फेंका है। तब याद आया, कल एक नहीं 2 तूफान से वो गुजरा है। उसकी तो शादी भी एक हादसा ही था। कहते हैं कि नदी समंदर का एक हिस्सा है, और समंदर अपने अंदर किसी के लिए कुछ नहीं रखता, सब वापस कर देता है। थोड़ी दूर उसे उसकी वधू सुशीला बेहोश पड़ी मिली। सुशीला, सुशीला, मुझे सुन पा रही हो? आंखें खोलो। उसने आंख खोलते ही कहा, मुझे छोड़कर मत जाना। हाथ बढ़ाकर रमेश ने उसे सहारा दिया और सर पर पल्लू रखकर वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। स्टेशन पे इंतजार कर रहा रमेश अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले हेम को एक चिट्ठी लिख सच्चाई बतानी चाहिए, पर फिर सोचा, नहीं, एक बार उससे मिलकर आमने सामने कहना सही रहेगा। इस तरह आंख चुरा कर भागने से हमारे प्यार को असमान करना होगा, और उसने चिट्ठी फाड़ दी। रमेश सुशीला को उसी घर ले आया जहां उसने हेम के साथ घर बसाने का सपना देखा था। इस घर की एक एक चीज उसे हेम की याद दिलाती है। हर 2 कदम पे उसे हेम नजर आती। रात को खाने के बाद रमेश ने सुशीला को जल्दी सो जाने को कहा, उसे आने वाली परीक्षा की तैयारी करनी है। दराज खोलते ही उसे हेम की तस्वीर दिखी।
उसे किताबों के पीछे छुपाकर देर रात तक ताकता रहा। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जो रमेश की जिंदगी में आने वाले तूफान का इशारा है। उसने आवाज दी, सुशीला सुशीला जल्दी से खिड़की दरवाजा बंद करो। आप मुझे इस नाम से क्यों बुलाते हैं? मेरा नाम सुशीला नहीं, कमला है। रमेश सन रह गया, शायद खराब मौसम की वजह से ठीक से नहीं सुन पाया। उसने पूछा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम कमला भी रखा है? माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे, मामा मामी के पास पली बड़ी हूँ, वो बोली। अब की बार रमेश चौंक उठा, पूछा, तुम्हारा गांव का नाम? और जिस गांव का नाम उसने बताया, वहां तो विवाह करने वो गया ही नहीं था। आखिर में रमेश बोला, मेरा नाम जानती हो? इश, मैं आपका नाम कैसे दे सकती हूँ? और अंदर से स्लेट में नाम लिख कर लाई, नलिनाक्ष चैटर्जी। आपने बताया नहीं, हम काशी क्यों नहीं गए? आपके घर यहाँ कलकत्ता क्यों आ गए? चुप बैठा रमेश अब तक समझ चुका है कि उस रात तूफान में उसकी पत्नी बदल गई थी। ये सुशीला नहीं कोई और है, किसी और की विवाहिता स्त्री। उसी रात रमेश ने नलिनाक्ष चैटर्जी के नाम एक पत्र लिखा, उनकी खोई पत्नी की खबर देने, मगर पता मालूम न होने की वजह से भेज ना सका। उस दिन से रमेश ने कमला को अपनी स्त्री की नजर से देखना बंद कर दिया। कुछ ही दिन बाद खबर आई कि रमेश के पिता चल बसे। एक दिन गंगा किनारे जिस बात से रूबरू होने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी, वही बात हो गई। उसे हेम और उसके पिता मिल गए। उन्हें भी उसके पिता का समाचार मिला, मगर विवाह के संबंध में वो कुछ नहीं जानते। हेम ने अकेले में पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? पिता के जाने का दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन बांट तो सकते हैं, अगर विश्वास हो तुम्हें तो। रमेश ने पूछा, क्या सच में तुम मुझ पे विश्वास करती हो? हेम बोले, मालूम है रमेश, इंसान के चले जाने से ज्यादा दुख इंसान के पास ना रहने का होता है। अब वहां से रमेश औरतों के लिए एक संस्था में गया, मगर उनके पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं, ना ही कम पढ़ी लिखी कमला को ज्यादा कुछ पता है जो रमेश उन्हें बता पाता। वो घर लौटा, देखा कमला धीरे धीरे इस दो कमरे के मकान को घर बनाने की कोशिश कर रही है। आज से भगवान की पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। इतने दिनों से कटे कटे रहने वाले रमेश से कमला बोली, मैं आपको नहीं पसंद हूँ ना? रमेश बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं। कमला बोली, लेकिन एक बात कहूँ, आप मुझे बहुत पसंद आए। मुझ गरीब को जब बिहाने शहर से कोई डॉक्टर आने वाला है सुना, मैं सहम गई थी, मालूम नहीं कैसा होगा, मगर आप बहुत अच्छे हैं। रमेश ने थोड़ी हंसने की कोशिश की, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। नई शादीशुदा जोड़ों में जो नजदीकी होनी चाहिए, उसकी कमी कमला भी समझती है, तभी शायद ऐसी बातें कहती होगी। मगर रमेश इस नादान सी बिन माँ बाप की लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता, जब तक उसके पति का कुछ पता ना चले। तभी और देरी ना करते हुए वो उसी रात हेम के पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा। अभी इसी वक्त करोगी मुझसे शादी हेम? हेम को उत्तर में हाँ कहने की जरूरत नहीं, ये बात दोनों जानते हैं, मगर अभी कैसे? थोड़ा रुको, कल बाबा से बात करूंगी। रमेश बोला, मैं क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहा हूँ, पूछो कि तक नहीं? मुझे तुम पर विश्वास है रमेश, तो फिर वादा करो मुझे, कोई कुछ भी कहे मेरे बारे में हेम, तुम विश्वास नहीं करोगी जब तक कि मैं आकर तुमसे कुछ कहता नहीं। हेम ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही दिनों में उनकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े खरीदते वक्त रमेश ने कुछ साड़ी और धोती कुर्ता अलग से लिया। हेम बोली, ये किसके लिए? दूर के रिश्तेदारों के लिए है, कहकर उसने बात टाल दी, लेकिन वो कमला के मामा मामी के लिए है। अब रमेश ने संस्था में सिस्टर को कमला के पति के छोड़कर चले जाने की बात बताई और उसे वहीं आगे की पढ़ाई और रहने के लिए भर्ती करवा दिया। उसके भेजने के बाद भी रमेश सरकारी दफ्तर थाने के चक्कर लगाते रहता, कहीं से कमला के पति की कोई खबर मिले। इधर अनोदा बाबू शादी में शरीक मेहमानों की सूची तैयार कर रहे हैं। ऐसे में हेम के भाई ने आकर उन्हें रमेश के दूसरे विवाह के बारे में बताया। इस बात की तह तक जाकर वो कमला को संस्था से वापस लाकर रमेश के पास छोड़ गए। रमेश ने समझ लिया, अब इस गलत खबर को सही करने के लिए वाकई देर हो चुकी है। वहां दूसरी तरफ हेम, मन से टूटा इंसान तन कहाँ ठीक रख पाएगा, वो बीमार पड़ गई। 7 दिन बाद उसके भाई ने अपने किसी मित्र के साथ हेम का विवाह देना चाहा, वो भी हेम को पहले से पसंद करता है, मगर उसके पिता तो अपनी बेटी को जानते हैं। उन्होंने कहा, जब तक हेम के मुंह से मैं इस विवाह में उसका मत नहीं सुन लेता, तब तक उसकी तरफ से ना है। अब रमेश यहाँ और नहीं रह सकता, ना ही कहीं से कमला के पति की कोई खबर मिली। उसने मन बना लिया, कमला को लेकर वो किसी और जगह चला जाएगा, जहाँ उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कोशिश करेगा। कमला बोली, काशी चले, वहाँ आपकी माँ रहती है ना, उनसे भी नहीं मिली हूँ।
रमेश ने बात टाल दी। उसने हेम के खतों को नदी में बहा दिया, पुराने जीवन की सारी स्मृति मिटा दी ताकि नए जीवन में कोई बाधा ना पड़े। अब हेम के पिता ने हेम से प्यार से पूछा, तेरा मन क्या कहता है, क्या तू ये शादी करना चाहती है? हेम बोली, बाबा मैंने आपका भैया का बहुत मन दुखाया है, वो जो फैसला लेंगे मेरे लिए ठीक ही होगा। उसके पिता बोले, ना तूने जबरदस्ती किसी को अपने दिल में पनाह दी थी, ना ही तो किसी को जबरदस्ती वहाँ से निकाल सकती है। ये घटना जो तुझे इतनी बड़ी लग रही है आगे चलकर छोटी लगने लगेगी। समय बड़ा बलवान है रे मेरी बच्ची, समय हर घाव को अपने दवा बनाता है और उसे धीरे धीरे पीना सिखाता है। हेम अपने बाबा को पकड़कर खूब रोई और एक बार फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, जिसमें उसके बाबा कदम कदम पे उसके साथ हैं। इधर रमेश के बसाए नए संसार में सब अच्छा चल रहा है। एक दिन कमला की नज़र एक पुराने अखबार पर पड़ी जिसपे उसके नाम का इश्तेहार लिखा है, फलाना तारीख को गंगा नदी में तूफान आने की वजह से एक नई शादीशुदा महिला मिली है जिसके पति का नाम नलिनाक्ष चटर्जी है जो काशी के निवासी है, अगर किसी को कुछ पता चले तो जानकारी दे। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने दिनों से जिस इंसान के साथ घर कर रही है वो उसका पति ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कभी मुझे पत्नी के रूप में नहीं अपनाया। इस ख्याल के साथ भारी मन से उसने खुदकुशी नामा रमेश के लिए छोड़ गई। रमेश ने वापस आकर उसे हर कहीं ढूंढा, कोई खबर नहीं। शायद मेरी ही गलती है, मैं ही उसे गृहस्थ जीवन का प्रेम नहीं दे सका। अनुदा बाबू कुछ दिनों के लिए हेम को लेकर काशी चला आया, उसका थोड़ा मन बहलाने। गंगा के घाट पे काफी देर से वो किसी को गाते सुन रहे हैं। अचानक अनुदा बाबू को जोरों की खांसी आने लगी। खांसी की शिकायत उन्हें बहुत पहले से ही है मगर कभी गौर नहीं किया। गायक गाना रो उनके पास आया, पेशे से दरअसल वो एक डॉक्टर है। उसने उन्हें 3 दिन की दवा लिखी। धीरे धीरे उनकी जान पहचान बढ़ी और अक्सर शाम को वो यहाँ बैठकर गाता, जिसका शौक हेम को भी है। एक दिन हेम उनका गाना सुनते सुनते रो पड़ी। गाना प्रेम में बिछड़े लोगों के बारे में था जिसने उसके पुराने घाव को खरोच दिया। डॉक्टर बाबू ने उसे हिम्मत दी और साथ में अपना परिचय, डॉक्टर नलिनाक्ष चटर्जी, ये वही है जिसका विवाह कमला से हुए 1 साल हो चुका है। अब भाग्य का खेल देखो, गंगा में डूबने चली कमला को माँ गंगा ने उसके सही स्थान पर पहुँचा दिया, काशी। अब हेम और डॉक्टर बाबू की शाम साथ घाट में गुजरने लगी। दोनों को ही मालूम हुआ जिंदगी से दोनों ही आघात हुए हैं, दोनों ही इस दर्द से उभरना चाहते हैं और मन का दर्द वजह बन गई एक दूसरे से नजदीकी की। दोनों तरफ के परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं, जल्द ही विवाह की तारीख तय हो गई। इधर इतना कुछ गवा कर रमेश भी अंत में काशी की डगर जा पहुँचा। वहाँ उसे उसकी असली पत्नी सुशीला की विधवा माँ मिल गई। उसने बताया, सुशीला उस रात ही डूब गई थी, 2 दिन बाद उसकी लाश किनारे पहुँची। तुम्हारे पिता के बारे में पता चला, मेरी बेटी के भाग्य में तुम्हारे घर का सुख नहीं था रमेश, उस घटना को 1 साल हो गए हैं, अब शादी कर लो। इधर डॉक्टर बाबू की माँ एक असहाय औरत को अपने घर काम पे ले आई, अपने बेटे से कह रही है, सुना गंगा में डूबी मिली थी, बेचारी पति की भी कोई खबर नहीं। उसे याद आ गया, इसी तरह तो 1 साल पहले गंगा में किसी को खोया था मैंने। माँ आज भी मुझे उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आज तक ठीक से सो नहीं पाया, नाव के दूसरे लोगों को सहारा नहीं देने जाता तो शायद उसे बचा पाता। ये सारी बातें कमला खिड़की से सुन रही है, वो अब उसे पहचानती है, वो ही उसके पति है। उसके आने के बाद से डॉक्टर बाबू अक्सर उसे अपने कमरे में आते जाते देखता और एक दिन उसने उसे कुछ छुपाते हुए देखा। बहुत पूछने पे पता चला कि वो एक अखबार का टुकड़ा है जिसमें कमला के नाम का इश्तिहार है जो रमेश ने छपवाया था। सारी बातें साफ हो गई। अब यहाँ अचानक टहलते हुए हेम को घाट पर रमेश दिखा। इस मौके को उसने गवाया नहीं और सारी बातें उसने हेम को कह डाली। हेम को कहीं भी रमेश की गलती नजर नहीं आई और उसने अपने शादी का मन बदल लिया, वो दोबारा रमेश की तरफ मुड़ गई। सारी बातें दोनों तरफ से साफ हो जाने के बाद रमेश वहाँ से जाने से पहले एक बार कमला से मिलने आया, जिसे डॉक्टर अपना चुके हैं। रमेश उसे उसकी सही जगह पे देख खुश है। वापस कलकत्ता आके वो हेम से मिलने गया जो उसी का इंतजार कर रही है। मूवी की कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर क्या कहानी वाकई में खत्म होती है? एक कहानी का अंत दूसरी कहानी की शुरुआत है, जो हमें इस कश्मकश में छोड़कर चली जाती है कि सब सही होने के बावजूद हमें सही को सही ठहराने में हिचकिचाहट हो रही है। शायद वो उस भंवर से तो अपनी नौका निकाल लाए हैं, मगर नौका अभी भी मझधार में ही रह गई है। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।